सरदार मेमोरियल राजपूत छात्रावास रातानाड़ा में बीती रात को अज्ञात युवकों ने पत्थर फेंके। बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में हथियारों से लैस होकर आए। अज्ञात युवकों ने हॉस्टल पहुंचकर तोड़फोड़ की। हॉस्टल में हुए शोर से वहां रहने वाले स्टूडेंट्स और वार्डन भी बाहर आ गए। उसके बाद अज्ञात युवक वहां से तेज गति से गाड़ी भगाते हुए चले गए। इस दौरान हॉस्टल का गेट भी तोड़ दिया। इस घटना से आक्रोशित राजपूत समाज के लोगों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों कहना था कि अगर 7 दिन में अज्ञात युवकों को पकड़कर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समाज की ओर से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। नहीं, महाराजा सरदार सिंह छात्रावास है, वहाँ रात को 5-6 ये समाजी अतत्व आए और उन्होंने पत्थरबाजी की छात्रावास के ऊपर और छात्रावास का गेट तोड़ दिया कैंपर गाड़ी से, और उनके पास हथियार थे और पिस्टल थी, तो बच्चों के पत्थर भी लगे 2 के, और फिर वो अपने तरफ भाग गए, गाड़ी ग्लोज किया उन्होंने, जिसपे इसमें ये सुनील चौधरी का पोस्टर लगा हुआ था एक गाड़ी पे, और इन्होंने 5-7 गाड़ी की आगे पीछे करके टक्कर मारी जिससे गेट टूट के नीचे गिर गया, और गेट इतना मजबूत था कि 5-7 बार उसने आगे पीछे किया और गाड़ी में गेट गिरा दिया। ज्ञापन कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए इसी के बारे में कि उनको रोका जाए। पिछली बार 5-6 दिन की पहले एक घटना और हुई थी न्यू कैंपस में, उसने पुलिस ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर भी, उसके बाद ये 4 दिन के बाद और छात्रावास के ऊपर आके अटैक किया, तो इसमें पुलिस कल 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है, जबकि सबसे पहले हमने ये कंट्रोल रूम को फोन किया, ऐसी ऐसी घटना हो गई हमारे हॉस्टल में, आप जल्दी आओ, उसके बाद 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंची।